आज इतना सारे काम करेगी, बर्तन भी धोएगी। स्पेशल डिश बनाने वाले हैं, वो है दम पुख्त सच्ची। मैनर सिखा रही हूँ, मैनर से सीखी। जुमा जुमा एक दिन हुआ किचन में आए, प्रेजेंट टेबल प्रेजेंट व्हाटएवर। ये हमारे टेबल का क्या हाल हो गया, ये फाइनल लुक दिखा देती हूँ भाई, सब लोग आ चुके हैं। तो जी ये जो निकली अंदर से, ये देखो ऐसे। अल्लाह आपने भी फोटो सेशन कराना, पहले मुझे बताएं खाना कैसा लगा। अगर ना गिरी तो 5,000 आपके साथ। Everyone, welcome to Sistrology. This is me, Krak Kaval. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. आज जो है वो इफ्तारी है हमारे घर पे, गरीब की फैमिली की, मेरे ससुराल वालों की इफ्तारी है। सो आज उसकी जरा तैयारियां करनी है। मेरी जो बहनें हैं वो घोड़े बेच के सोई हुई है। ये तो मेरी अम्मा ने सुबह सुबह उठते साथ ही यहाँ पे कोई कार्यक्रम किया यार, अच्छा लग रहा है। अब हम चलते हैं नीचे बाकी का काम करवाने, क्योंकि हो रही है यहाँ पे आँच पे सफाई। तुम लोगों को कोई होश है, कोई परवाह है कि कोई गेस्ट आ रहे हैं घर पे तो जल्दी उठ जाने? कोई करा कवल प्रो मैक्स जल्दी उठी हुई है तो तुम्हें नहीं कोई होश है कि तुमने मेरी मदद करानी है? ऊपर सब सेट है, नीचे कुछ भी सेट नहीं है, तो ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। अभी मुझे सब कुछ सेट करना है। अभी तो सबसे पहले मेरी माँ ने मेरी ड्यूटी, मुझे पता है क्या लगा, उन्होंने कहना बेटा सारे बर्तन निकाल और इसको धो बैठनी। आज इतना सारे काम करेगी, बर्तन भी धोएगी, लगाएगी भी। अम्मा मेरी को मौका मिल जाता है मुझे कहीं ना ऐसे कान से पकड़ने का, तो बस मैं पकड़ी गई हूँ आज कान से। ठीक है, तो अब बस मैं हल्की आँच पर प्रेपरेशन करने लगी। राबिया विल हेल्प मी, तो राबिया जल्दी से आ जाओ फ्रेश होके। अच्छा तो किचन में आई हूँ, तो यहाँ पे दही भल्ले सूजे हुए हैं और यहाँ पे चटनियाँ बनी हुई हैं, सैलड वगैरह का सारा सामान जो है वो यहाँ आया पड़ा है। और बाहर मुझे देखना है, जो मैंने कल पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, बकरा जुबा करवाना था, उसके लिए वहाँ पे कुछ डिगिंग शिगिंग हो रही है, उन्होंने वहाँ से प्रिपेयर करना है। एंड माई डैड इज ऑल्सो ऑन ड्यूटी, यू गाइस कैन सी दैट। यहाँ पे हो रही है डिगिंग शिगिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना वो बनना है, बकरा बनना है। ठीक है, मानो आपका भाई आया, आपका भाई आया, बकरा तो छत है हमारे घर आ चुका है जी, वो वाला बकरा जिसने भी जिबा होना है। क्यों लायो? क्योंकि आज खाना बकरे को यहाँ पे जिबा करके शर्म नहीं आती, बाहर से बाजार से नहीं ला सकते, बेचारे की जान ले लो। जमानों को देखो, ये बकरा भी जिबा होना है, ठीक है, ये सारी के लिए। लेकिन ये मैडम जो है ना वो इसको घर ला के, क्या तुमने क्या इसके साथ पार्टी करनी? लेके आना जरा, इसके लेके आओ जरा, आप ही ध्यान से इसका गला ना दबाओ। ये बकरा आया, ये पता लगे नीचे सुसु करते कुर्बानी वाली ईद आ रही, सारी नहीं लग रही। मम्मा देखो, मीट न्यू गोट, मीट न्यू क्यूटी, क्यूटी है ना। अभी इस क्यूटी का खाना बनने वाला, इसका बनने क्या वाला आज? आज इसकी बननी है दम पुख्त सजी होती है, दम पुख्त सजी बनेगी, जिस अंदर मेचली टेस्ट होता है। इसकी सवारी जा रही है अब यहाँ पे, हलाल टाइम शुरू होने लगा है, मतलब हलाल टाइम। आज की इफ्तारी में जो स्पेशल डिश बनाने वाले हैं वो है दम पुख्त सच्ची, क्या जिसकी वजह से हमने सामने खड़ा भी किया, मैंने आपको सबको दिखाया। अगर यार तो आपकी चले गई है बर्तन साफ करने, अब लग रहा है कि आप ही घरेलू बहू बन चुकी है। पापा जी, पापा ने भी देख लिया, पाँव बचाओ। मम्मा तो तुम्हारी जान तोड़ेगी, मम्मा तुम्हारी जान निकालेंगी। ये मारो, मर, मुझे अपनी दफा बहुत डांट पड़ती है। इसको कितने इधर आ, मेरी बहनें कैसी है, मेरा काम बनाने के लिए आएंगी, मेरे साथ काम कराए, ये बिगाड़ने के लिए आ गई है। 10 मिनट लेके आओ जल्दी। ना ना जाओ बेटा, आपने गंदगी है ना, जाओ शाबाश, गुड 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 गो। अगर तो हंस से देखो कैसे रही आप भी। यार मम्मा को नहीं पता चला भी। मम्मा को मैं बताती हूँ, मम्मा मैंने प्लेट तोड़ी। अब गाइज मैंने ये सब चीजें कर ली हैं, मैंने खुद भी अभी तैयार होना, टाइम बहुत कम रह गया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग उस पर घूम रहा है। मम्मा मेरी किचन में लगी हुई है, अब मुझे सब्जियां वगैरह बनानी है। तोड़वा दी है ना प्लेट? मैंने नहीं तोड़वाई, मम्मा जैनब ने जानबूझ के तोड़ा। किस लिए किया था? सुपरविजन के लिए। यार मम्मा मैंने क्या करना था सुपरविजन, मैं अपना काम करी थी, वो आ गई मेरा काम बढ़ाने के लिए। कहा था ना बर्तनों पे उनको ना लगाओ, खुद ही कर, उन्हें भेज दो। अच्छा स्वामी, अब जो है ना वो यहाँ पे हमारे नया सेट चाहिए। अच्छा एक प्लेट तोड़ो, नया सेट दो, पूरा का पूरा नो। गाइस ये जैनब फैसल हमारी प्यारी बहन, आप जानते ही होंगे, और मैं हूँ आप लोग की प्यारी दोस्त रोज राबिया फैसल। और यहाँ पे आज आपके घर वाले आ रहे, घर वाले आ रहे, कौन आ रहे? आप ही थोड़ा सड़ी हुई
टेंशन इसका चेहरा पर। काम करने की बजाय काम बढ़ाने के लिए इन औरतों को अल्लाह ने दुनिया में इन नन्नी गलियों से काम, इन चेहरों से काम करवाने का दिल चाहता मम्मा मार रही है आपकी फेवरेट बेटी को। बेटी को जूते जूतियां पढ़नी चाहिए। अब से आप ही जहाँ जाएगी उसके साथ एक कैमरा जाएगा, इसकी शक्ल में मुझे आ जाना थूक गई है। इसने पता जान से प्लेट तोड़ी है। इसने इसलिए तोड़ी क्योंकि आपसे उसकी दुश्मनी है, चाह रही है कि आपका घर ना बसे, आपकी शादी ना हो। अल्लाह वो बेचारा करो, अल्लाह इसलिए कैमरा रखते हैं, इसको जरा पतंग करें। चलो मैम आप क्या करेंगे बताना चाहेंगे लोगों को? मैम ने ये देखो प्लेटें रखी हुई है पानी के अंदर। अच्छा और कुछ और कोई नया काम? यार टी शर्ट ना अब ये सारा ये उधर जाना। शादी और करो, शादी शादी करना सबसे मुश्किल काम है गाइस। चलो जी ये देखें, ये लड़की ना नया डेकोर करने जा रही है, ये जो इसने गिफ्ट दिया था ना मम्मा पापा को, यहाँ पे लगेगी हमारे मेन एंट्रेंस पे लगेगी। ओह माय गॉड, तो फाइनली इसने यहाँ पे लगा दी है। यहाँ मेरी मोस्ट सुशील बहन, जो एक मेरी एक ही बहन है जो मेरी मदद कर, ये देखें ये लच्छा प्याज का तरीका बताया गया। ओए अल्लाह ये कितना क्यूट लग रहा है। यहाँ पे भाई बेसन प्रिपेयर हो गया, पकौड़ों का सामान रेडी हो गया है, आधा कुछ कट रहा है, ये मददगार साबित हो रही है। क्या कर लिया है? चलो अब उसको दबा के खून निकालेगी, तार रोएगी। लग गई चोट, चोट लगवा के आ गई। एक ही अगर बहन काम की निकली वो भी चोट लगवा ली। नहीं लगाऊंगी तो और काम करूंगी। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे जो है वो धकती हुई है लगी हुई है, ठीक है, पट्टी टाइप क्या बोलते हैं इसको, जिसके अंदर हमारा वो बनना है, सब्जी बननी है, ये सारा सामान यहाँ पे है। एंड माई डैड इज सिटिंग हियर। ये हमारा जब काम हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमने जो अपना डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है यानी कि सेटिंग वाला डिपार्टमेंट है वो दिया है फातिमा फैसल को। अब वो यहाँ पे आके बताएगी कि यहाँ पे क्या सिटिंग एरिया किस तरह से होगा। उसके लिए स्पेस नहीं बन रही क्योंकि अगर वो दरवाजा खोलना पड़ा वो सज्जी के लिए तो फिर वहाँ पे आने में दिक्कत होगी। लैंप उठा के उधर रख दो और वो चेयर जो है वो इधर। ये यहाँ पे ये कलेजी शरीफ आ चुकी है हमारे बकरे की, लेकिन यहाँ पे यहाँ हमारा जो है ना वो ये आके हमेशा लुक में दे रही है। मैं इसको मैनर सिखा रही हूँ, मैनर नहीं सीखी। जुमा जुमा एक दिन हुआ किचन में आए, प्रेजेंट टेबल प्रेजेंट प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ, प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ। देखो बाहर गिरा रही हो, क्या पकड़ लिया तुमने? तो इंसान गिर सकता है तो फातिमा निकला इधर से, तुम उसको डिस्ट्रैक्ट क्यों डाल रही हो? उन्होंने पानी थोड़ा पीना है यार, पानी पानी उसको प्रिजर्व करता है पागल। अच्छा बस फातिमा ये लो, हो गया तुम्हारा शौक पूरा। ये वो मीम नहीं देखी हो जब इफ्तार में उसे प्लेट को हाथ लगाने आती है? हाँ हाँ। अब हम लोग गाइस बाहर जा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हमारा बाहर क्या क्या चीजें प्रिपेयर हुई हैं। हमने बाहर तो पूरा वलीमा तैयार हुआ हुआ है। ये हमारे टेबल का क्या हाल हो गया? ये हमारा बकरा है। अच्छा ये वो नहीं है जो खड्डे के अंदर, मेरा ख्याल से पूरा एक खड्डा सज्जी जो बीच में अंडरग्राउंड कर देते हैं उसके ऊपर सज्जी से कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ एक बकरा तुमने तो सुबह देखा ही नहीं। बकरा ये आप जब खाएंगे तो आपको फिर ही पता चलेगा ना, क्योंकि ये ना करियाची बिरयानी है, ठीक है ना, ये इसका इतना अच्छा टेस्ट है कि हम इनको जो है ना जमीन के अंदर रख देंगे। ये चावल है एक्चुअल में, ये हमने सब कुछ इसके अंदर मिक्स करके रखा है। अच्छा बादाम है, छुआरे हैं। ओके 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 ओके। ये अब हमारा बकरा अंदर चला गया सारा चावल समेत। चावल समेत ठीक है। हमारी क्यों ऐसी शक्ल बनी हुई? चलो अब तैयार होते हैं। तुम क्यों शाय फील करिए? बकरे की जगह तुम्हें बिठाया है, बदतमीज। ये वाला ड्रेस पहनने लगी हूँ मैं। हो चुकी हूँ तैयार और इफ्तार होने में थोड़ा सा वक्त बचा है। अभी तक हमारे गेस्ट नहीं आए हैं जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अभी वैसे भी गोल्डन आवर स्टार्ट हो चुका है, देखें सनसेट यहाँ से दिख रहा है। ब्लॉगिंग उनके सामने इन लॉज के सामने करने में बहुत ज्यादा इजी नहीं हो, मुझे थोड़ी सी वो हेजिटेशन होती है नॉल। तो हम जो है वो इन्वॉल्व करेंगे अरीब को अपने साथ हल्की आज में, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर चीज दिखाऊँ। ओह माय गॉड, सारा टेबल मैंने डेकोरेट किया। ये देखें गाइस कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गर्ल, तुमने बड़ा अच्छा डेकोर किया और साथ उसने कैंडल्स वगैरह ऐसे लगाई हुई हैं, सही प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना रेस्टोरेंट वाला माहौल बनाया हुआ है। तुम क्या कर रही हो? डेकोर। मेरी बहनों को रेस्टोरेंट में जॉब करनी चाहिए। रेस्टोरेंट का ऑनर होना चाहिए। जो बाकी की दो बहने हैं वो टेबल सेट कर रही है, चीजें कर रही है, और ये लड़की अपना मुंह, और ये भी लड़की अपना मुंह। ये कौन पहनने वाली है? राबिया। और ये पहनने वाली है ज़ैनब। चलो ये दोनों आपस में लड़ी, वो कह रही है देखा टेबल कितना अच्छा लग रहा है, वो कह रही है देखा कितनी अच्छी लग रही है, मैंने सारी बनाने दे। लड़ाई बंद करो जाकिरा, तुम भी तैयार हो जाओ, पापा भी तैयार हो गए। चलो हीरा जो बनाई जो तुम उसको बस चिपकाई जो, हीरा की आज की यही ड्यूटी है। सो गाइस अब मैं आपको जरा फाइनल लुक दिखा देती हूँ भाई हमारे इस टेबल की। फातिमा ने डेकोर किया। फातिमा किसी ने अपनी टेबल डेकोर करानी हो तो फातिमा को बुला लें, ठीक है? सब लोग आ चुके हैं।
मैं अकेली यहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए बाहर बैठी हुई हूँ। नहीं नहीं, मैं अंदर से निकलूंगी। फाइनली सब लोग आ चुके हैं, अब मैं जाऊंगी। अच्छा, सब यहाँ पे जो है ना वो रोजा इफ्तार कर रहे हैं। इधर रोजा इफ्तार हो रहा है, इधर इफ्तारी वगैरह हो रही है सारी। और जो ये है ना मेरी बहन है, वो यहाँ इफ्तारी कर रही है। अपनी बच्चा पकड़ लेती है, उसको रुला के छोड़ेंगी। रबिया किसी को तो बख्तिया करो, अब बस बस रुला दी है ना बदतमीज। फातिमा भी आई है बकरे को खुदता देखने। ये देखो ना जरा, ये तो सही तैयार होके आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, मिट्टी चली गई, इसी चीज को तो कारीगरी कहते हैं। मट्टी चलेगी मम्मा। तो जी ये जो निकली अंदर से, ये देखो ऐसे लग रहा है ये किसी का मुंह है। दो आंखें एक। हाँ अंदर यार राइस भी है, मुझे तो अभी दिखे। मिट्टी ना डालो, मिट्टी नहीं, मैं अंदर वो पूरा बकरा वगैरह डाल देता हूं। अंदर राइस भी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले मिल चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं अभी ये बाहर आए हैं। बकरे का इफ्तिताह हो रहा है, वो बेचारा निकल रहा है अंदर। ये पूरे बकरे के आपने चार टुकड़े किए थे, ये छह टुकड़े, आठ टुकड़े हुए हैं और सारा इधर ही है। अंदर राइस है, अंदर राइस है। राइस पकाए थे पहले के अंदर ही दम में? अच्छा अच्छा। हेलो फ्रेंड, बकरा खा लो, नरम है, गरम है, मजे का। बहुत मजे का, बहुत मजे का। इसके पाए भी गले। अरे बाबी ट्राई करो, मैं पहली बार खा रही हूँ। बहुत मजे का बनाया आपने सच में। और ये राइस है, ये पूरा बकरा है। हाँ बेचारा बकरा यहाँ देखे जी, सब दम पुख्त हो रहे हैं, दम पुख्त हो रहे हैं सारी जगह। डैडी जो है ना, डैडी और अजीब यहाँ पे। आप क्या खेल ले आए हैं भाई? मैं क्रिकेट। साफा पहन के प्रॉपर पापा यहाँ पे क्रिकेट, और ये अजीब साहब के पीछे क्रिकेट हो रही है। क्रिकेट सब लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और हम बच्चों के साथ पार्टियां कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, खाना जो खा लिया वो अब हम हजम कर रहे हैं। चलो इनको देखो, यहाँ इनका अपना ही फोटो सेशन चल रहा है। हीरा को तो देखो ऐसी चुटिया हिला रही है अपनी। अरे अल्लाह, आपने भी फोटो सेशन कराना। पहले मुझे बताएं खाना कैसा लगा, सब चीजें कैसी लगी? बहुत अच्छी। अब टेबल किसने सजाया? मुझे फातिमा ने कहा मैंने सजाई है। हाँ राबिया ने कहा मैंने सजाई है। हाँ विक्रा कह रही है मैंने सजाई है। नहीं टेबल मैंने नहीं सजाई, सारी चीजें आपने एक एक अपने हाथों से बनाई है ऐसे। हाँ वो गोश्त भी इसने बनाया। यार दिस इज सो बैड। गोश्त, हाँ गोश्त मैंने बनाया ना, मैं आपको दिखाती रही हूँ। बकरे से मिलवाते साथ आखिरी पीस तक अच्छी लग रही है। मैंने अपनी भी फुल लुक नहीं दिखाई लोग, आप हमेशा दिखाते हैं। Guys, this is my full look. Wow. पिछली बार भी लोग कह रहे थे अरीब भाई और इकरा भी हमेशा सीट बेल्ट पे लड़ते रहते हैं। तो आप ईदी ले आए हैं? ओह यस, मैं दिखाऊंगी लोगों को, मुझे पता है मेरे से ज्यादा लोगों को इंतजार है। वो ईदी होगी, फिर कैश नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। इस पे अगर आप मुझे मिलने आएंगे तो कैश जरूरी होता है। अच्छा, अगर मैं आपको खीर अच्छा, खिलाऊंगी अपने हाथ से खीर खिलाऊंगी तो फिर कैश जरूरी हो जाता है, मतलब वाजिब हो जाता है। ठीक है तो गाइस, अब यहाँ पे है टी पार्टी, टी टाइम है। ये मैंने कर लिया है, डबल डेट सुना था, ये डबल गेस्ट क्या होता है। आज राबिया को लगा राबिया की यादाश्त चली गई, ये मेहमान आए साथ मेरे मामू जान आ गए। मैं वॉशरूम गई, ये वाले मेहमान छोड़ के वॉशरूम में गाने साथ लगाए हुए थे, गाने कह रही हूँ। फोन अपना गलती से ना साथ ही अंदर ले गई थी, तो वो ना मैं हाथ वगैरह धोकर बाहर निकली, ऐसे ज्यादा खोला देखा कोई और मेहमान बैठे थे। मैं दो मिनट चली गई, नहीं मैंने कहा काम को, ओके। सो ये औरत मुझे आज तक कभी काम करते हुए नहीं दिखी, लेकिन आज ये परोस रही है। डबल गेस्ट आए हमारे घर आज, डबल डबल चाय पेश की जा रही है। अभी डाल के भी दो यार, आज आप ही का इम्तिहान है किस तरह से डालती हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अगर ना गिरी तो 5,000 आपके साथ। नहीं गिरी, कोई सबूत? अभी हमने सबको सी ऑफ किया, तो आखिरी बचे हमारे पास सी ऑफ करने के लिए मिस्टर। अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, खाना बहुत मजे का था।
खाना मजे का था सारा, मैंने अपने हाथों से बनाया था। आंटी के हाथों से बना हुआ। हाँ मम्मा ने बहुत वो किया। बस बाहर से कैमरे को। नहीं जी मम्मा बताओ, मैंने असली में नहीं, मैंने मैक्रोनीज बनाए थे। मैं बस ठीक है, नहीं मैं नहीं संभाल गुस्से हुए खराब हुई भी मैक्रोनी। चलें ठीक है जी, ओके बाय, टेक केयर करना वो, बाय बाय, अल्लाह पे। ओके तो आपकी तो खुश हो रही है, आहा आ जाओ। तो फाइनली मुझे कैदी मिल चुकी है गाइस। इसके अंदर मुझे इंटरेस्ट हो रहा है, रुक जाओ। अभी कुछ अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या था। सो गाइस फाइनली सब लोग जा चुके थे और आज बहुत मजा आया। थकावट तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन इंजॉय बहुत किया और मेरी ईद आ गई इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और अभी मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मैं फटाफट जाकर उसको अनबॉक्सिंग करूंगी सारी फैमिली के साथ, आप साथ बैठ के करूंगी और आप लोगों के साथ तो लाजमी तौर पे शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कॉमेंट सब करना है, लेकिन अगले ब्लॉग का इंतजार करना है क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात होने वाली है अगले ब्लॉग में गिफ्ट अनबॉक्सिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।